किसान संगठनों ने तीन कृषि कानून के खिलाफ केंद्र सरकार पर हमले तेज कर दिए हैं। संयुक्त किसान मोर्चा ने ऐलान करते हुए कहा कि 18 फरवरी को किसान पूरे देश में रेल रोको आंदोलन करेंगे। यह आंदोलन दोपहर 12 बजे से 4 बजे तक चलाया जाएगा, जिसके लिए संयुक्त किसान मोर्चा में रणनीति तैयार की गई है। वहीं किसान संगठन के रेल रोको आंदोलन को लेकर सूबे के मुखिया का कहना है कि मध्य प्रदेश में सभी किसान कृषि कानून का समर्थन कर रहे हैं। सारे किसान हमारे साथ हैं। जिनके मन में कृषि कानूनों को लेकर कोई भ्रम है, उनसे सरकार बात कर रही है। मध्य प्रदेश में किसान कानूनों के समर्थन में है और सारे किसान हमारे, हम लोगों ने बार बार कहा है। जिनके मन में कहीं भी असमंजस है, उनसे सरकार बात कर रही है। बातचीत के द्वार खुले, दिल के द्वार भी खुले। किसान किसान है, इसलिए बातचीत जारी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सरकार द्वारा पत्थरबाजों के खिलाफ लाए जा रहे कानून को लेकर कहा कि मसौदा तैयार किया जा रहा है, कानून को अंतिम रूप देने की बात की जा रही है। के खिलाफ कार्रवाई राजधर्म है और इस तरह के मामले भी कि कहीं भी किसी पे भी पत्थर बरसा दो, ये कानून और व्यवस्था का कोई साधारण उल्लंघन नहीं है। इसलिए असाधारण कानून की जरूरत। मसौदा तैयार हो रहा है, उसको अंतिम रूप दिया जा रहा है, लेकिन कानून बन रहा है।